नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पूरे देश की नजर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर राम जन्मभूमि को लेकर पूरी बहस जो थी वो पूरी हो गई है। अब बस इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस विवादित भूमि को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट फैसले में बताएगा कि यह विवादित भूमि अब किस पक्षकार के हाथ में जाएगी। खैर, उससे पहले हम आपको इस विवादित भूमि की पूरी राम कहानी भी बता देते हैं कि यह विवाद कब से शुरू हुआ और अब तक इस विवाद में क्या क्या हुआ। हालांकि ये विवाद इतना भी आसान नहीं है। भारत के इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले विवादों में अयोध्या का राम मंदिर विवाद शामिल है। चलिए आपको बताते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और समय के साथ इसमें किस किस तरह के मोड़ आए। 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद का निर्माण ऐसे स्थल पर हुआ जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। 1853 राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में पहली बार हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हिंसा हुई। 1859 ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाढ़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दी। 1885 मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 1949 करीब 50 हिंदुओं ने मंदिर के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे, मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की। 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 भारतीय जनता पार्टी ने VHP को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया जीवन दे दिया। 1 जुलाई 1989 भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। 25 सितंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल ली। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढह दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुस्लिम से बातचीत करना था। अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च से अगस्त 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। जुलाई 2005 संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को तीनों पक्षों को देने का फैसला सुनाया। तो ये था अयोध्या केस से जुड़ी पूरी कहानी। अगर आप भी अयोध्या केस से जुड़े और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।